हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 की जो पूरक पाठ्य पुस्तक के साथ ही आपको एक व्याकरण की जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका पाठ 14 इकाई 3 कार्यालय लेखन और प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 11 के लिए उसके सिलेबस में दिया गया है। तो कार्यालय लेखन और प्रक्रिया मतलब कार्यालय के अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, कुछ पत्र है, सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, प्रेस विज्ञप्ति है, परिपत्र है, ये सब हमने देखा है कि सरकारी दफ्तरों में लिखे जाते हैं और इन्हीं सब के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। आपको किसी आम सरकारी दफ्तर में जाने का अवसर अवश्य मिला होगा, जहां आपने कागज और फाइलों के ढेर देखे होंगे। फाइलें दफ्तरों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी कामकाज की गाड़ी पूरी तरह से फाइलों के पहियों के ऊपर ही चलती है। किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है। उस विषय से संबंधित जो प्रस्ताव या पत्र बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालय से प्राप्त होते हैं, उन्हें फाइल की दाहिनी तरफ रखा जाता है। ये ध्यान रखें, जो बाहर से आई हुई सामग्री होती है उस विषय की, वो दाहिनी तरफ रखी जाती है। किसी प्रस्ताव या विषय पर विचार करने के लिए जो टिप्पणियाँ लिखी जाती है, जो या अपने मंतव्य व्यक्त किए जाते हैं या जो अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, वो सब बाईं तरफ लिखे जाते हैं। जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है कि फाइल के बाईं तरफ का हिस्सा टिप्पणी के लिए और दाईं तरफ का हिस्सा पत्र व्यवहार के लिए संभाल कर रखा जाता है। आइए देखें, सरकारी कार्यालय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। मतलब कई पत्र और सूचनाएं मांगने या भेजने के लिए लिखे जाते हैं और कुछ पत्रों द्वारा मुख्यालय या बड़े अधिकारियों पर अपने अधीनस्थ कार्यालय अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश के रूप में होते हैं। मतलब कुछ पत्र तो सूचना के रूप में मांगे जाते हैं और कुछ पत्र आदेश के रूप में भेजे जाते हैं। कुछ पत्र अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए होते हैं। जैसे कोई भी विभाग है, सरकारी विभाग, तो समाचार पत्र में अगर उसकी जानकारी छपना है तो उसकी जानकारी इस पत्र द्वारा दी जाती है। हर श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेष स्वरूप निर्धारित कर दिया गया है। इस पाठ में हम किन्हीं अलग अलग स्वरूपों की चर्चा करेंगे। इन स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसी कार्यालय में चलते हैं। आप इसका नाम जानना चाहेंगे? अजी, नाम में क्या रखा है? चलिए हम इन सबका नाम रखते हैं अखिल भारतीय साहित्य और संस्कृति संस्थान, क्योंकि साहित्य और संस्कृति, हम साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो साहित्य संस्कृति के संस्थान के कार्यालय में जा रहे हैं। ये है संस्थान का मुख्यालय, जिसे महानिदेशालय के नाम से जाना जाता है। एक तरह से आपको यहाँ के कार्यालय की यात्रा कराई जा रही है, जिससे कि आप पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे कार्यालय के कार्यकाल से। देश भर में फैले तमाम क्षेत्रीय कार्यालय इसी के नियंत्रण में आते हैं। आइए हम इनके अंदर भी चलते हैं। यह है महानिदेशालय का प्रशासन विभाग। प्रशासन मतलब पूरा का वहां कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। यहाँ एक अनुभाग अधिकारी शंकरन जी पूरी गंभीरता से किसी मसले को सुलझाने में व्यस्त है, जो वहां के एक अधिकारी का नाम है शंकरन जी। सामने एक पत्र पड़ा है जो मसले का केंद्र बिंदु है। पत्र मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय से आया है। वो किस प्रकार का पत्र है, देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ये औपचारिक पत्र का फॉर्मल लेटर है। आपको औपचारिक पत्र लिखने की जानकारी भी इस पत्र को देखकर मिल जाएगी। सबसे ऊपर लिखा अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, मतलब यहाँ से पत्र आया है। दाहिनी तरफ लिखा है आपको तारीख, दिनांक। बाईं तरफ से उसमें लिखा है फॉर्म की संख्या, जो भी पत्र होते हैं इस प्रकार के कार्यालय की उनकी संख्याएं होती है। सेवा में महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति संस्थान, तिलक नगर, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। विषय दिया है मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। ये विषय पर बात करी है इन्होंने। महोदय, कृपया अपने परिपत्र का स्मरण करें, जिसकी संख्या 2413 प्रश्न संख्या 2004 थी, जो 23 नवंबर 2004 को जारी किया गया था। परिपत्र में हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फोन पर महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में निवेदन है कि मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां अत्यंत व्यापक है, मतलब बहुत ज्यादा है। देश के तमाम फिल्म और टेलीविजन निर्माता मुंबई में ही है। इसकी वजह से विभिन्न विधाओं के कलाकार बड़ी संख्या में मुंबई में ही रहते हैं। साथ ही निर्देशक को देश के विभिन्न नगरों में स्थित कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालय से निरंतर संपर्क भी रखना पड़ता है। साथ ही साथ संस्थान की गतिविधियों के लिए प्रायोजक जुटाना इनके सिलसिले में, मतलब उस गतिविधियों को चलाने के लिए प्रायोजक भी चाहिए, उनको जुटाने के लिए देश के विभिन्न औद्योगिक संगठन से भी बात करनी पड़ती है।
ऊपर बताए तथ्यों की वजह से 2000 रुपये मासिक की सीमा मुंबई कार्यालय के लिए कम पड़ रही है। पिछले 6 महीने से देखा जा रहा है कि मासिक खर्च 6000 रुपये के आसपास आता है। अतः निवेदन है कि मुंबई कार्यालय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन पर मासिक खर्च की सीमा को बढ़ाकर 6000 रुपये कर दीजिए। पत्र लिखने वाले भवदीय के नीचे उनकी सिग्नेचर है, राकेश नाम के हैं, टीचर का नाम लिखा है जो कि वहाँ के मुंबई कार्यालय के निर्देशक हैं। देखा इस पत्र में इस प्रकार से हमने सारी चीजें लिखी, सारी तरह चीजें इसकी बाईं तरफ लिखी हुई थी, दाहिनी तरफ से दिनांक लिखा हुआ था। अब शंकरन जी ने पत्र को पढ़कर बुरा समूह बना लिया। वे पत्र में बताए गए कारणों से कतई सहमत नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि खर्च की सीमा को बढ़ाना फिजूल खर्ची की दावत देना है, मतलब सरकारी कार्यालय में सारे खर्चों को बड़े ध्यान से किया जाता है, अगर एक जगह ढील दे दी जाए तो उसे 10 मांगे हो जाएगी और भी 10 तरह की मांगे करने लगेंगे ये लोग। लेकिन यह तो उनकी व्यक्तिगत राय थी, दफ्तर पर एक अपना तरीका होता है और निर्णय में अन्य दूसरे लोगों को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि अकेले शंकरन जी तो इसका निर्णय ले नहीं सकते। लिहाजा उन्होंने वह पत्र अपने सहायक ज्ञान प्रकाश जी को इस निर्देश के साथ भेजा कि इस पत्र पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ज्ञान प्रकाश जो खर्राट सहायकों में से एक है, खुर्राट मतलब कि तेज तर्रार व्यक्ति है, वे विभाग में लंबे अरसे से हैं। इस वजह से विभागीय ज्ञान का भंडार उन्हें बहुत ज़्यादा है। उन्हें कार्यालय नियमावली और चलती फिरती लाइब्रेरी भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब उन्हें सारे ही नियम अपने मुख जबानी याद है। ज्ञान प्रकाश जी ने तुरंत फाइल निकाली जो मोबाइल फोन के खर्च के लिए बनी थी। साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं कि ध्यान देने की बातें, ये सारा एक कॉलम आपके सामने बना हुआ है, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान देना है पत्र के समय। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रायः ये पत्र एक कार्यालय विभाग या मंत्रालय से दूसरे कार्यालय विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय विभाग या मंत्रालय का नाम पता होता है। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी होती है जिसे स्पष्ट हो जाता है कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत लिखा गया है और कब लिखा गया है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पता और बाईं तरफ लिखा जाता है, कई बार अधिकारी का नाम भी होता है। सेवा में का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन से है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल सहज होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों से प्रयोग से बचना चाहिए। अनेक बार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना उचित होता है, जिसको सब लोग जानते हैं। इस पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर होते हैं और हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र लिखने वाले का नाम छपा हुआ होता है और नाम के नीचे पद भी लिखा होता है कि व्यक्ति कौन है। देखते हैं अब शंकरन ज्ञान सिंह जी क्या करते हैं। वो उस फाइल में उस फोन के खर्च की सीमा कटौती से संबंधित जो फाइल थी, फाइल और उसमें लगे परिपत्र उन्हें मुखाग्र थे, उन्हें याद थे कौन कौन से परिपत्र है। फिर भी उन्होंने उन पर एक नजर डालने के बाद फाइल पर कुछ इस प्रकार से टिप्पणी लिखी। अभी मुख्य टिप्पणी जो कि नोटिंग है, यह टिप्पणी मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशक के उस पत्र से संबंधित है जिसकी फाइल संख्या मुंबई का 5/2005 है और दिनांक 15 मार्च 2005 को दी गई है। पत्र में निर्देशक ने मोबाइल फोन के मासिक व्यय पर लगाई गई सीमा को 2000 रुपये से 6000 रुपये तक बढ़ाने का आग्रह किया है और इस संदर्भ में महानिर्देशक द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2004 को जारी परिपत्र पर ध्यान देने आवश्यक है जो इस फाइल की पृष्ठ संख्या 12 है। इस परिपत्र में खर्च की सीमा 2000 रुपये निर्धारित कर दी गई है और किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। इस सिलसिले में कृपया इस फाइल में इसी विषय पर की गई कई टिप्पणियां देखें जो पृष्ठ संख्या 8 टिप्पणी पर है। टिप्पणी को पढ़ने से स्पष्ट है कि खर्च की सीमा का निर्धारण सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सोच समझ कर किया गया है। यह भी विचारणीय है कि खर्च की सीमा बोर्ड की स्वीकृति से निर्धारित हुई है, बिना बोर्ड की अनुमति के इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। विचार के लिए प्रस्तुत कर दी अनुभाग अधिकारी को और ज्ञान प्रकाश सहायक इन्होंने साइन कर दी गई टिप्पणी उनकी है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी विचाराधीन पत्र और प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय वक्तव्य आदेश होते हैं वह टिप्पणी होती है। टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अर्थ के लिए लिया गया है। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट करना है, तर्कसंगत करना है जिस पर निर्णय लेना है। टिप्पणी का उद्देश्य मामलों को नियम के अनुसार निपटाना है। टिप्पणी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर की टिप्पणी और अधिकारी स्तर की टिप्पणी। कार्यालय में टिप्पण कार्य
कार्यालय में टिप्पण कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर होता है, इसे आरंभिक टिप्पणी या मुख्य टिप्पणी कहते हैं। इसमें सहायक विचाराधीन मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है। इस प्रकार से हमें टिप्पणी में ध्यान देने योग्य बातें हमने यहाँ पर देखी। इस प्रकार के टिप्पण में सबसे पहले मूल पत्र या आवती के लिए विवरण और तथ्य का सार दिया जाता है। टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर करके अपने अधिकारी के सम्मुख उसको प्रस्तुत करता है। जिस अधिकारी को प्रस्तुत करना है उसको टिप्पणी उसका पद नाम बाई ओर लिखा होता है, जिसे हमने इस टिप्पणी में देखा। टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विषय को समझना बहुत जरूरी होता है और टिप्पणी अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें असली मुद्दा पर अधिक बल देना चाहिए। टिप्पणी संक्षिप्त होती है, विषय संगत होती है और तर्क संगत होती है। टिप्पणीकार को अपने विचार संतुलित और शिष्ट भाषा में लिखना चाहिए। कोई क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए, किसी पर आक्षेप नहीं होना चाहिए। टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है, मतलब कि तृतीय पुरुष के रूप में लिखी जाती है। इसी प्रकार से श्री ज्ञान प्रकाश जी के ज्ञान से प्रकाशित होने के बाद ये फाइल अब शंकरन जी के पास आ गई। वे तो पहले से ही भरे बैठे थे, मतलब वो तो पहले से ही इस पर अपनी कठोर टिप्पणी कर चुके थे जो कि लिखित रूप में अब देना बाकी थी। तो अब हम इस पाठ के अगले भाग में देखेंगे कि आगे शंकरन जी क्या पढ़ी टिप्पणी करते हैं और बाकी अधिकारी इस पर क्या अपना निर्णय लेते हैं और किस प्रकार से इस कार्य को करते हैं, मतलब किस प्रकार से इस फाइलों में कार्य होता है, कैसे कैसे एक एक क्रम करके कार्य आगे बढ़ता है और कैसे फिर किसी विषय पर निर्णय लिया जाता है। ये सारी जानकारी हम इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।